हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। गुरु गोरखनाथ महाराज का लिया आशीर्वाद। गुरुवार को शताब्दी समारोह में शामिल होने के बाद लखनऊ होंगे रवाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में बाढ़ से संबंधित 10,995.55 लाख की 23 नई परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 9,624.83 लाख की 8 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, समय से पूरा किए जाएं सभी परियोजनाएं, जनता और जनप्रतिनिधि करे गुणवत्ता की जाँच। वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय धर्मेंद्र नाथ वर्मा के आवास पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, व्यक्त की शोक संवेदना, दी श्रद्धांजलि, परिजनों को बताया ढांढस। कहा, शोषितों एवं वंचितों को न्याय दिलाने के लिए जीवन पर्यंत कार्य किए स्वर्गीय धर्मेंद्र नाथ वर्मा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO ने कहा, शताब्दी वर्ष के रूप में नए कलेवर में नजर आएगा चौरी चौरा एक्सप्रेस। LHB कोच लगाकर गोरखपुर से किया जाएगा रवाना। प्रधानमंत्री चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव पर वर्चुअल रूप से जुड़कर जारी करेंगे एक डाक टिकट। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कौशलेंद्र कुमार सिन्हा ने महानगर स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की तैयारी बैठक। कहा, दूसरे चरण में होगा फ्रंटलाइन वर्करों का वैक्सीनेशन। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अभिज्ञा हार्ट केयर एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन। कहा, मरीजों के इलाज की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए चिकित्सा गुणवत्ता पर दिया जाए विशेष ध्यान। गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गोला थाने की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। गोरखपुर में बुधवार को मिले मात्र 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,409। अब तक 359 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 76 हुए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। 1 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ चिलुआताल पुलिस ने एक अभियुक्त गोलू चौहान को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति गोरखपुर के बैनर तले बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर किया एक दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार। अपनी मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। और समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला अध्यक्ष बिंदा देवी सैनी ने बुधवार को जनपद के महिला सभा के नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा। कहा, पार्टी के हित में कार्य करेगी नई कार्यकारिणी।